हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत। और आज इस वीडियो में बताएंगे कि आप आधार कार्ड से पैसे किस प्रकार से निकाल सकते हो। यदि आपके पास मान लो कि कोई कस्टमर आता है और वो आधार कार्ड दिया आपको, आधार कार्ड से बोल रहा है कि उसका अकाउंट लिंक है आधार कार्ड से, और बोलता है कि मेरे आधार कार्ड से पैसे निकाल दो। यदि आपके पास मतलब दुकान है और आपके पास आधार कार्ड लेके आ रहा है कि आधार कार्ड से पैसे निकाल दो, तो आप किस प्रकार से निकाल सकते हो, इस वीडियो में पूरा और लास्ट तक देखना, बहुत शानदार से समझ में आने वाला है। सबसे पहली बात, आप पैसे आधार कार्ड से निकालने के लिए आपके पास एक आईडी होनी चाहिए। अब आईडी कहाँ से लें? आईडी आप पेनी से ले सकते हो, पेटीएम से ले सकते हो, दो तीन ऑप्शन, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप आईडी ले सकते हो। मैंने ली है पेनी से। पेनी से आपको सिंपली एक आईडी लेनी पड़ती है, आईडी वेरीफाई करानी पड़ती है। एक कस्टमर रिटेलर आया था, आपके फोटो लेते हैं दुकान की और आपकी आईडी वेरीफाई हो जाती है, और आप वहाँ से आधार कार्ड से पैसे निकाल सकते हो। ठीक है, निकालने के लिए क्या होता है, एक आपके पास फिंगर वाली मशीन होनी चाहिए। इसका पैसा लगेगा लगभग 2-1 हज़ार के अंदर, 1500-2000 के अंदर आपकी आईडी एक मतलब पैसे लगेगा इसका, और ये आप आधार कार्ड से पैसे निकालने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। यदि 1500 रुपये आप पेनी से ऑर्डर करोगे तो ये आपको फ्री मिलेगा, और आपको 1500 रुपये लगेंगे उस आईडी एक्टिवेट करने के लिए आधार कार्ड की। वो एक्टिवेट हुई उसके बाद आप किसी भी कस्टमर का यदि उसका खाता आधार कार्ड से लिंक है तो आप ये लगा के आप निकाल सकते हो। अब ये कैसे लगाना है, मोबाइल के अंदर लगाया और कनेक्ट किया, उसके बाद क्या करना है, एप्लीकेशन में क्या काम प्रोसेस रहेगा वो आपको अभी बताते हैं लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, किस प्रकार से पैसे निकाल सकते हो। बैलेंस चेक करना चाहते हो, बैलेंस चेक कर सकते हो, सब सुविधा आपको मिलेगी पेनी से। पेनी डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन है। पेनी ने मुझे कोई भी पैसा नहीं दिया, सीधी बात बोलता हूँ, मुझे अच्छा लगा तो मैं बता दिया। ठीक, और जैसे ये पैसे निकलेंगे आपके वॉलेट में आ जाएगा। अब वॉलेट दो टाइप का होगा, एक डायरेक्ट आप बैंक ट्रांसफर करना चाहते हो, अपने बैंक अकाउंट में डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। जैसे मतलब आधार कार्ड से फिंगर दिया तो आपका ये पेनीर अकाउंट में आएगा। पेनीर अकाउंट दो ऑप्शन मिलता है, एक तो मेन पेनीर वॉलेट और एक आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट में डालना चाहोगे तो 1% साइड टैक्स लगेगा, और यदि आप अपने वॉलेट में डालना चाहते हो कोई टैक्स नहीं लगेगा। उस वॉलेट को यूज़ करने के लिए आप रिचार्ज कर सकते हो, लाइट बिल वगैरह सब बिजली बिल आप भर सकते हो, उसमें काम ले सकते हो। ठीक है, और आप बैंक ट्रांसफर करोगे तो 1% चार्ज लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप पेनी मतलब आप पैसे निकालने के लिए सोच लो पहले, आपको टैक्स लगेगा यदि डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो। कोई भी कस्टमर आएगा यदि आधार कार्ड से पैसा निकालना चाहते हो उसमें भी 1% का टैक्स निकलेगा। तो चलिए आपको बताना है किस प्रकार से निकालते हैं, चलिए तो हम चलते हैं अपने स्क्रीन पर, मोबाइल पर स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले आपके पास फिंगर वाली मशीन है, उसको कनेक्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कनेक्ट हो रही है, और यहाँ पे सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अब आपको पेनीर ओपन करना है। अब देख सकते हो मैंने पेनीर ओपन किया और नीचे लेना है। यहाँ पे गाइज थोड़ा सा नीचे लेगो ना, यहाँ AEPS का ऑप्शन देखने मिलेगा, आपको इस पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आधार कार्ड यानी रिटेलर यानी आपकी आईडी है, तो आप सबसे पहले आधार कार्ड डालोगे, उसके बाद आपके फिंगर लगेगा, आप वेरीफाई होंगे। ठीक है, हर दिन करना पड़ेगा, जैसे ओपन करोगे ना डिटेल लेने नहीं, आपके पास आईडी है तो आपका सबसे पहले आधार कार्ड से वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद आप आधार कार्ड से सारा पैसा चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे गाइस सबसे पहले मैं यहाँ बैलेंस इंक्वायरी कर सकता हूँ आधार कार्ड से, वर्चुअल आईडी से भी कर सकता हूँ, विड्रॉ भी कर सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, आधार कार्ड नंबर डालूंगा। ठीक है, आधार कार्ड नंबर डाल सकते हो। मैं सबसे पहले बैलेंस इंक्वायरी करता हूँ। ठीक है, बैलेंस के लिए मैं कस्टमर का आधार कार्ड नंबर डालना, यहाँ पे देख सकते हो मैं डाल रहा हूँ। गाइस यहाँ पर जैसे आधार कार्ड नंबर डालोगे उसके बाद आपको बैंक सेलेक्ट करना है, और कस्टमर का नंबर कोई भी नंबर हो जो आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन हो उसका ज़रूरी नहीं है, कोई भी आपका भी डाल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है, जैसे डालोगे ना उसके बाद आपको बैंक सेलेक्ट करना है। अब कस्टमर का कौन सा बैंक अकाउंट है, तो यूको बैंक का अकाउंट है मेरे पास, जो भी कस्टमर है उसका यूको बैंक में है, तो यहाँ पे यूको सेलेक्ट करके एग्री करना है, और स्कैन पर ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो। मैं यहाँ पर कस्टमर का बैलेंस इंक्वायरी करता हूँ, बैलेंस में कितने पैसे हैं वगैरह चेक करना है। तो यहाँ पर स्कैन हो रहा है, देख सकते हो, और जैसे स्कैन होगा ना यहाँ पर आपका आधार कार्ड थोड़ा सा टाइम लगेगा, फैचिंग होगा, और कस्टमर का जिसमें भी अकाउंट है यूको में स्टेट में आधार कार्ड लिंक होना चाहिए बैंक अकाउंट से, तब आप सभी पैसे निकाल सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, और ट्रांजैक्शन भी चेक कर सकते हो कि 5 ट्रांजैक्शन कितने कैसे हुए, कितने मिले आपको, कैसे आए, वो भी आप कस्टमर को बता सकते हो। ठीक है, और एक्सिस बैंक में आप विड्रॉ करोगे ना फ्री मिलेगा। ठीक है, कोई चार्ज नहीं लगता। यहाँ पर देख सकते हो बैलेंस इंक्वायरी यहाँ पर बता चुका है कितना बैलेंस है कस्टमर का, यहाँ पर देख सकते हो 5145 रुपये कस्टमर के अकाउंट में है। और यहाँ पे देख सकते हो मिनी स्टेटमेंट भी देख सकते हो आप, कस्टमर का कितने 5 ट्रांजैक्शन है वो भी चेक कर सकते हो। गाइस यदि आप रियल में फिंगरप्रिंट से आधार कार्ड से पैसे निकालना चाहते हो तो आप एक्सिस बैंक में अकाउंट खोला लो, ताकि आप डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो, कोई भी चार्ज देने को ज़रूरत ना पड़े। ठीक है गाइस, वीडियो अच्छा लगा, कुछ भी सीखने को मिला, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
वीडियो।